सबसे पहले वो खबर जो आप सिर्फ जनमन में देखेंगे, जनमन एक्सक्लूसिव। ऐसी तस्वीरें जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी, दो महाशक्तियों रूस और भारत का साझा युद्ध अभ्यास, आतंक के खिलाफ दिल दहला देने वाली तस्वीरें। रूस के शहर व्लादिवोस्तोक में देश की तीनों सेनाओं यानी थल सेना, वायु सेना और नौसेना ने इसमें हिस्सा लिया। ये पहली बार है जब सेना के तीनों अंगों ने एक साथ मिलकर रूस के साथ इस तरह का अभ्यास किया है। इसे अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास बताया जा रहा है। यह ऐसा युद्ध अभ्यास है जिसे देखकर चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ जाएगी। एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत और कैमरा पर्सन सचिन कपूर रूस से, जनमन विशेष। थल सेना का आतंकवाद पर वार, आकाश से आतंकवाद पर प्रहार, पृथ्वी के सबसे पूर्वी छोर पर प्रशांत महासागर की लहरों को चीरता और धरती की तरफ बढ़ता यह विशालकाय जंगी जहाज, गेट खुलने पर निकलती टैंक नुमा गाड़ियां और उसमें तैनात हथियारबंद सैनिक, थोड़ी देर बाद आइलैंड से गोलियों और धमाकों की आवाज सुनाई देने लगती है। दुश्मन को ढेर करने के बाद वापस लौटते भारत और रूस के सैनिक, भारत माता की जय जयकार। ये नजारा किसी जंग के मैदान जैसा तो है, लेकिन यहाँ कोई युद्ध नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ भारत की सेना अपने सबसे पुराने दोस्त रूस की सेना के साथ मिलकर सबसे बड़ा युद्धाभ्यास कर रही है। भारत से करीब 5000 किलोमीटर दूर रूस के व्लादिवोस्तोक शहर में भारत और रूस के साझा युद्धाभ्यास की हैरतअंगेज तस्वीरें एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद हुई। जो एक्सरसाइज की जा रही है उसकी कवरेज के लिए ही एबीपी न्यूज रशिया के व्लादिवोस्तोक पहुंचा है और यहां पर देखने के लिए कि किस तरह से भारत का सबसे पुराना और सबसे भरोसेमंद दोस्त रूस के साथ भारत की अब तक की सबसे बड़ी एक्सरसाइज इंद्रा यहां पर की जा रही है। यह पहली बार है जब भारतीय सेना के तीनों अंगों ने दूसरे देश की तीनों सेनाओं के साथ मिलकर एंटी टेरर ऑपरेशन के लिए अभ्यास किया। इस साझा युद्ध अभ्यास को इंद्रा नाम दिया गया और इस एक्सरसाइज के जरिए हम चाहते हैं कि हमारे तीनों अंग इनके तीनों अंग के साथ एक सामूहिक तरह से काम कर हम उनसे कुछ सीखे और ये हमसे कुछ सीखे और आपसी तालमेल जो है बनाए रखे। हम 1929 अक्टूबर तक पूरे 11 दिन तक दोनों देशों की सेनाओं ने एक साथ मिलकर दुश्मन को हराने की एक्सरसाइज की। साझा युद्धाभ्यास के लिए आतंकवादियों से घिरे एक इलाके का माहौल तैयार किया गया। ऐसा दिखाया गया मानो लोगों को आतंकियों ने बंधक बना लिया हो। जगह पर अभी जहां पर हम मौजूद हैं, यहां पर भारत और रूस के सैनिक यहां पर मौजूद हैं जो एक्सरसाइज कर रहे हैं। यहां पर हमें जो आवाज आ रही है ये सब गोलों की आवाज आ रही है, बमबारी की आवाज हो रही है। दरअसल यहां पर इस जगह पर यूजरुक बेस में यहां पर ये एंटी टेरर एक्सरसाइज अभी चल रही है। सामने जो दिखाई दे रहा है जहां पर आग लगी हुई है, धुआं उठ रहा है, वहां पर दरअसल एक गांव है जहां पर आतंकियों ने कब्जा किया था और कुछ जो गांव के लोग हैं उनको बंधक बनाया था। सन्नाटे को चीरते हुए आगे बढ़ रही ये टैंक दरअसल आतंकवादियों को चेतावनी देते आगे बढ़ रहे हैं। बंधक संकट खत्म करने और आतंकवादियों को ठिकाने लगाने के लिए दोनों देशों की सेना टैंक और पैदल दस्ते के साथ दुश्मन की तरफ बढ़ती है। यहाँ पर ये टैंक दिखा रहे हैं,
ये टैंक दरअसल इसीलिए किसी भी सेना इस्तेमाल करती है, वो अपना अधिकार जमाने के लिए करती है। अगर उसे किसी इलाके में जाकर घुसकर कोई हमला करना है और कब्जा करना है या अधिकार जमाना है तो टैंकों का इस्तेमाल किया जाता है। आतंक हो या विद्रोह, रूस की सेना को दोनों को कुचलने का लंबा अनुभव है। यही वजह है कि जब भारत और रूस की सेनाएं व्लादिवोस्टोक में इकट्ठा हुई तो उसके लिए सैनिकों के साथ साथ टैंक, बीएमपी गाड़ियां, तोप, रॉकेट लॉन्चर का तो इस्तेमाल किया ही गया। इन सब के अलावा लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों का भी युद्धाभ्यास में इस्तेमाल किया गया। जो भारतीय वायुसेना है वो रूस के ही जो लड़ाकू विमान है और हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करती है, इसलिए इस एक्सरसाइज में, इंदिरा एक्सरसाइज में, भारतीय वायुसेना अपने लड़ाकू विमान या हेलीकॉप्टर नहीं लेकर आई। रूस ने पहले चेचनिया का विद्रोह कुचला और अब सीरिया में आईएसआईएस के खिलाफ जंग लड़ रहा है। यही वजह है कि इंदिरा युद्धाभ्यास में भी रूस की सेना ने भारी हथियारों और सैन्य साजो सामान का इस्तेमाल किया जो वो सीरिया में कर रहा है। भारत और रूस के पैरा कमांडोज ने क्लोज कॉम्बैट का भी युद्धाभ्यास किया। भारत और रूस के सैनिकों की फुर्ती काबिले तारीफ थी। हर बाधा को पार करते हुए आखिरकार दोनों देशों के फौजियों ने अपना टास्क महज 3 से 4 घंटों में खत्म कर दिया। भारत और रूस के सैनिक ऐसे हैं जिनको दुनिया भर की सेनाएं जो हैं उनकी टफनेस के लिए जानती हैं, और इसीलिए इस तरह के एक्सरसाइज जब ऐसे दीवार पर चढ़ना हो, कंक्रीट वॉल पर चढ़ना हो, इन सब से पता चलता है कि हमारे सैनिक कितने मजबूत हैं, वो अंदर से कितने मजबूत हैं। थल और वायुसेना के बाद दोनों देशों की नौसेना ने भी एंटी टेरर ऑपरेशन का युद्धाभ्यास किया। एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत और कैमरामैन सचिन कपूर नेवी के युद्धाभ्यास की कवरेज के लिए रूस के एक ऐसे सैन्य ठिकाने पर पहुंचे जिसका गूगल के नक्शे तक में नामो निशान नहीं है। व्लादिवोस्टोक से 200 किलोमीटर दूर पीटर्सबर्ग के केप क्लर्क में रूस का एक गुप्त ठिकाना है। साझा युद्धाभ्यास के लिए आतंकवादियों से घिरे एक आइलैंड का माहौल तैयार किया गया जहां लोगों को आतंकवादियों ने बंधक बना लिया था। एम्फीबियस एक्सरसाइज के लिए भारतीय नौसेना अपने 2 जंगी जहाज आईएनएस सतपुड़ा और आईएनएस कदमत के साथ रूस पहुंची थी। एम्फीबियस एक्सरसाइज की खास बात यही होती है कि जो समुद्र के में जो युद्धपोत होते हैं और जो थल सेना के जो मशीनरी होती है, जैसे ये बीएमपी मशीन है, आईसीबी मशीन है, इसमें सैनिक बैठ कर समुद्र से आ सकते हैं। जब ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई द्वीप हो, जहाँ पर कोई हमला करना हो या फिर आतंकवादियों से मुकाबला करना हो। जंगी जहाज के पहुंचने के बाद दोनों देशों के सैनिक बीएमपी गाड़ियों से आइलैंड के चप्पे चप्पे पर फैल गए और कुछ ही देर में दोनों देशों की सेनाओं ने आइलैंड को आतंकियों से मुक्त करा लिया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो जितने भी जवान थे, सैनिक थे, वो आए यहाँ पे युद्धपोत से, और ये पूरा एक द्वीप था जिस पर आतंकियों ने कब्जा किया हुआ था और उसी के लिए यहाँ पर ये सभी भारत के और रूस के सैनिक आए और इन्होंने इस द्वीप पर आकर इस आतंकियों से इसको खाली कराया। Значит, все поставленные задачи и флоту, и морским пехотинцам, как Российской Федерации, так и Республика Индия, были выполнены в установленное время и с теми задачами, которые были им поставлены. एम्फीबियस एक्सरसाइज में भारतीय थल सेना के जवानों के साथ नेवी के मरीन कमांडो मार्कोस ने भी हिस्सा लिया। भारतीय नौसेना के, हमारे जो स्पेशल फोर्स है भारतीय नौसेना की, उसके मरीन कमांडो हमारे साथ हैं जो कि इंदिरा एक्सरसाइज में आए हैं, यहाँ रूस में आए हैं एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए। और ये खास तरह के मरीन कमांडो हैं जो कि समंदर में यानी पानी में और ज़मीन दोनों पर ये ऑपरेट कर सकते हैं, इसीलिए स्पेशल फोर्सेज हैं। इनके हथियार देखेंगे, इनका आप वेशभूषा देखेंगे तो अपना चेहरा हमेशा ढक के रखते हैं ये लोग, इसी तरह से नकाब लगा के रखते हैं। अभी क्योंकि एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है तो बाहर निकाल चुके हैं। ये एक खास तरह का, एक इनके पास चाकू है जो इस्तेमाल करते हैं ये, और ये जो
इनके पास गन है जो असॉल्ट राइफल है, ये भी एकदम लेटेस्ट है जो कि AK-103 AK-47 का ही ये एक बेहतरीन या फिर उसे कहेंगे मॉडिफाइड वर्जन है ये। मुझे ऐसे लगता है कि हम लोग बहुत तैयार है और आज की एक्सरसाइज में हमने काफ़ी रसिया वाले कैसे लड़ाई के अंदर भाग लेते वो भी सीखा है और उन्होंने हमारा भी तरीका देखा है तो काफ़ी उपयोगी सिद्ध है। एम्फीबियस एक्सरसाइज आखिर होती क्या है, समझाया नेवी के कमांडर टीवी नागप्रसन्ना ने। जहाज में से हमारे मार्कोस मरीन कमांडोज प्लस आर्मी इनको बहुत 39 पीपल देवर एम्बार्क उनको लाया गया, साथ में ज्वाइनर्स के लिए रशियन BMPs जो बोलते हैं जो पानी में भी चल सकते हैं और देर आर्मर पर्सन कैरियर बट पानी में चल सकते हैं और लैंड में भी, वो भी चार एम्बार्क किया था हम लोगों ने। 2017 दुनिया की दो बड़ी ताकतों का ये शक्तिशाली युद्धाभ्यास दोनों देशों की सच्ची दोस्ती का प्रतीक है तो दुश्मनों के लिए चेतावनी से कम नहीं है। रूस के व्लादिवोस्टोक से कैमरामैन सचिन कपूर के साथ नीरज राजपूत की रिपोर्ट। भारत और रूस की सेनाओं ने मिलकर चीन और उत्तर कोरिया की सीमा पर अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास किया। 11 दिन तक चले इस युद्धाभ्यास के कई मायने हैं। कहने के लिए इंदिरा नाम का यह युद्धाभ्यास आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन ये ऐसे वक्त हो रहा है जब भारत और चीन में तनातनी है और पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ आतंकियों की मदद कर रहा है। इसके जरिए दोनों देशों ने अपने दुश्मनों को भी कड़ा संदेश दिया है। ये तस्वीरें भारत रूस की 70 साल की दोस्ती का सबसे बड़ा सबूत है। कहने के लिए ये युद्धाभ्यास भर है, लेकिन इसके होने का वक्त इसके होने की जगह दोनों बेहद खास हैं। ये जगह है रूस का व्लादिवोस्टोक, ये जगह उत्तर कोरिया से करीब 100 किलोमीटर दूर और चीन से करीब 60 किलोमीटर दूर है। इंदिरा एक्सरसाइज रशिया के व्लादिवोस्टोक शहर में हो रही है और इस जगह पर यूजरेक एयरबेस से जो चीन की सीमा है वो महज यहाँ से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। और इस तरह की एक्सरसाइज करने का जो मकसद है भारत और रूस की सेनाओं का वो दरअसल एंटी टेरर ऑपरेशंस तो होता ही है, साथ ही जो दुश्मन देश होते हैं उनको एक सामरिक संकेत के जरिए चेतावनी देना भी होता है कि अगर उसने इन देशों की तरफ आंख उठाने की जरूरत की तो ये दोनों शक्तिशाली देश एक साथ मिलकर उसके घमंड को चकनाचूर भी कर सकते हैं। रूस के पूर्वी इलाके का सबसे बड़ा शहर व्लादिवोस्टोक वो जगह है जहां राजाओं के दौर में चीन का शासन हुआ करता था, लेकिन अब यह हिस्सा रूस के कब्जे में है। चीन के बॉर्डर पर युद्धाभ्यास कर चीन के साथ दुनिया के दूसरे देशों को साफ संदेश दिया गया है। जब दो ऐसे शक्तिशाली देश एक साथ आ जाते हैं तो लाजमी है कि जो संदेशा है पूरी दुनिया को वो अपने आप ही एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एक तरह से संदेश जाता है पूरी दुनिया को, रीजन को जाता है, दुनिया को जाता है। रूस भारत के पुराने दोस्तों में से एक है। पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद रूस सबसे मददगार साबित हुआ। रूस ने भारत को गुपचुप तरीके से रातों रात जरूरी गोला बारूद मुहैया करा दिया था। अमेरिका से दोस्ती बढ़ने के बाद रूस के साथ रिश्तों में दरार की चर्चा थी, लेकिन युद्धाभ्यास के जरिए हमने बता दिया कि रूस हमारा सबसे बड़ा दोस्त है। ये युद्धाभ्यास बड़ा इसलिए है क्योंकि इसमें थल सेना के अलावा वायुसेना और नौसेना भी शामिल हुई। हमारी जो मैत्री है और हमारी जो फ्रेंडशिप है 70 साल पुरानी है और इन 70 सालों में इंडिया और भारत और रूस के बीच में जो हमारी मिलिट्री कोऑपरेशन है वो सबसे एक अहम और महत्वपूर्ण एक हमारा एक पिलर रहा है रिलेशनशिप का। तो आज की जो हमने जो अभ्यास किया है वो एक हमारा यूएस कोऑपरेशन को एक नए लेवल पे ले गया है। आंकड़े भी इस बात की गवाह है कि रक्षा क्षेत्र में रूस भारत का सबसे बड़ा साझेदार है। साल 2016 में भारत का रक्षा खर्च करीब 3.62 लाख करोड़ रुपए था।
भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। साल 2012 से 16 के बीच भारत ने दुनिया के 12.8% हथियार आयात किए। इस दौरान रूस से हमारे हथियारों का आयात 68.29% है, जबकि अमेरिका से सिर्फ 14.15%। ऐसे में युद्ध अभ्यास से भारत ने रूस को यह संदेश दिया है कि वो अब भी भारत का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार है। हम ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं कि जो टेररिज्म जिससे हमारा देश जूझ रहा है, पूरा विश्व जूझ रहा है, इसमें अगर हम हिस्सा दे सकें, हम योगदान कर सकें ताकि विश्व में शांति बनाए रहे, इसी का हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि हम सबको बताएं कि हम जो है सभी के साथ हैं विश्व में जो है टेररिज्म से लड़ने के लिए। मुंबई में 26/11 का हमला हो या फिर रूस की सीरिया में ISIS के खिलाफ जंग, दोनों देश अच्छी तरह समझ चुके हैं कि आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ने के लिए थल सेना के साथ साथ वायु सेना और नौसेना को न सिर्फ तैयार रहना होगा बल्कि मिलकर लड़ना भी होगा। यही तैयारी यहाँ नजर आई। ये युद्धाभ्यास संकेत है कि भविष्य में भारत रूस की सेनाओं को एक साथ मिलकर आतंक पर प्रहार करना पड़ सकता है। रूस के व्लादिवोस्टोक से कैमरामैन सचिन कपूर के साथ संवाददाता नीरज राजपूत की रिपोर्ट। ये है ABP News, आपको रखे आगे।